तो हमारे पिछले ब्लॉग में हम थे खबरू वाटरफॉल पे और उसके बाद हमने डिसाइड किया बीड में आने का। बीड में आते हमने बहुत ही प्यारा सा सनसेट देखा और उसके बाद अगली ही सुबह हम लोग निकल गए हनुमानगढ़ ट्रैक के लिए। ऊपर ऊपर जाना बस इधर। नीचे जाना, नीचे नीचे से तो गाइस ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको सारे, ये राजगुंदा से पीछे है। आई मीन थमसर पास है, एक थमसर जगह, वो पहाड़ियाँ चढ़ के फिर आप आगे चंबा में पहुँच जाते हो। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चली हैं, थोड़ा सा रहता है 1 किलोमीटर कवर करने के लिए। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं हमारी डेयरी मिल्क 10 वाली, थोड़ी एनर्जी के लिए। थका तो नहीं है? थका तो नहीं ना? बस फिर वेरी गुड, यही स्पिरिट हमें चाहिए चलते हुए। अगर आप ऐसे ही चलते रहो ना, लाइक हमने आई थिंक आधा घंटा लिया ना, आधा घंटा लिया हम लोग ने 1 किलोमीटर कवर करने के लिए, तो अगर आप इसी पेस से चलते रहो तो आप जल्दी ट्रैक, कोई भी ट्रैक हो वो कम्प्लीट कर सकते हो। हाँ गाइस, ये ट्रेल फॉलो करके हमें यहाँ से होते होते उस साइड जाना है, उन पहाड़ों पे। नहीं यार उससे तो पीछे ही होगा कहीं, बट हाँ जाना हमें बर्फ में ही है कहीं, हनुमानगढ़। इधर वो है, जमी हुई स्नो है, ध्यान से आइए। ये सारी जमी हुई स्नो, और वो जो रास्ता आपको शायद दिख रहा हो, यहाँ से रास्ता जा रहा है, ये राजगुंदा को जा रहा है, फिर आगे एक पुल आता है, फिर वहाँ से आप बरोड वैली को निकल जाते हो। बट यार बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड हनुमानगढ़ देखने के लिए यार। अब है ना, सही है। हमारे प्रेयर फ्लैग्स, ये तो सबको ही पसंद होते हैं यार। मेरा बस चले मैं तो अपने घर पे ही सारे ये लगा दूँ। आई लव प्रेयर फ्लैग्स, ओ माने पद में हम। नीचे रोड थी, पता नीचे हाँ। वो राजगुंदा वाला, ये रहा हमारा पूरा भीड़।
यहाँ से पूरा हिमाचल दिखता होगा यार। यहाँ पे है ना थोड़ा सा रास्ता फिगर आउट करने में मुश्किल है, बिकॉज कई जगह पेड़ गिरा है, कई कुछ है, जिसके कारण थोड़ा रास्ता बंद बंद जैसा है, तो पता नहीं चलता है। बट फिर भी हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया है और हम चढ़ रहे हैं आगे। लुक 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 लुक, इस पे चलने से थोड़ा सा डर लगता है, ये जगह स्लिपरी हो सकती है ये, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइल वॉकिंग ऑन स्नो गॉड। तो भाई अपन लोगों को रास्ता फिगर आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने यहाँ से भी चढ़ के देख लिया, इधर से आगे कुछ नहीं था, वहाँ से भी देख लिया है, उधर भी कुछ नहीं है। अब ये एक ट्रेल दिख रहा है हमें, यहाँ पे थोड़ी स्नो है, फिर उसके बाद शायद कुछ ऐसा हो इसको क्रॉस करके ना। कैसे इधर यार ट्रेल दिख रहा है हल्का हल्का, इधर आ मैं तेरे को दिखाता हूँ। इधर यार ओल्ड मॉन्ग पड़ी हुई है। हाँ ओ माय गॉड, स्नो में चलना इज लाइक, वो भी इन शू के साथ, इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। नहीं नहीं यार बिल्कुल नहीं है, स्लिपरी है ही नहीं है, तभी तो आया मजे से मैं। जल्दी भी चलेगा नहीं होगा स्लिप, चल के देख, भाग के देख, आई स्वेयर कुछ नहीं होगा, जहाँ मैंने पाँव रखे वहीं रख ले, चल। हो रहा है स्लिप, लग रहा है तेरे को, जल्दी आ। हमें एक और इंडिकेशन मिल गई, अगर ये बने हैं, आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं, क्रैंस, अगर ये मिल गया तो ऑब्वियसली रास्ता तो यही है, 101% श्योर हो गया अब तो। आगे है काफ़ी ज़्यादा स्नो, इसलिए हम लोगों ने अपने गम बूट्स डाली हैं जो कि हमने रेंट पे लिए हैं। हिलने नहीं देंगे। जय हनुमान जी की, हमें पहले दर्शन हो चुके हैं हनुमान टिब्बा के, दैट्स अ पीक। और यहाँ पे पीछे काफ़ी स्नो थी यार, पूरा स्लोप था, जिसके कारण हम लोग को स्नो शू गम शूज पहनने पड़े। और अब सच में यार थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, और कि पीक तो हमें दिखी यार, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता चल रहा था यार, बहुत कन्फ्यूजिंग सा, बर्फ़ के कारण पूरा ढक गया हुआ है, तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ से ट्रैक है। बट अब यार पहले पानी पीना, कहीं भी पानी मिले यार बस एक बार, नहीं तो बर्फ़ को गर्म करके वही पियेंगे हम लोग। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच हनुमान जी। अब रुकना है या चलना है, बस उधर। तो गाइस अनदर हॉल्ट, बहुत थक गए यार, पानी नहीं है ना हमारे पास, तो मैंने अब स्नो पैन में भरी है, इसको हम कैनिस्टर पे गर्म करेंगे। और लुक एट द व्यू, दिस इज़ रियली ऑसम। और यहाँ पे ग्लाइडर्स आ रहे हैं, ये देखो, थोड़ी थका थकना क्या है यार, अब नहीं हो रहा, थकान तो नहीं हो रही, मेरे को प्यास लगी है, पानी पिलाते जा, ऊपर लेते जा। चलो हवा चल रही है, हीट आ रहा, स्नो इसको मेल्ट करते हैं।
यार ये रुक नहीं रहा, लेट मी स्टेबल, लेट मी स्टेबल इट, लेट मी स्टेबल इट। डाइजेस्टिव है ना ये, गाइज अब है सबसे खतरनाक पार्ट जो है ये, इससे जाना पड़ेगा हमें। तू डाल ले, कोई बात नहीं, अब गीले तो हो ही गए हैं। हाँ यार हैं, भाई आ चुके हैं फिर से हम अपने गम बूट्स में, क्योंकि ये स्नो बहुत ही खतरनाक वाली है। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, अब यार डर भी लग रहा है सच में, क्या बोलते, फट भी रही है, बट करना तो है ही, अब बस जैसे मर्जी हो। सो लेट्स स्टार्ट ब्रो, शिट ब्रो, शिट, बड़ी धजियाँ उड़ रही हैं भाई, डर भी लग रहा है क्योंकि ऊपर स्नो मेल्ट हो रही होगी सूरज के कारण, गला सूख रहा है। ये गाय पता नहीं कैसे निकल जाती यार, इतना वेट होता है इनका, देखो गाय के फुटस्टेप्स हैं। ये एक ग्रिप बनाने के लिए। अरे भाई तुम लोग किस लिए आ रहे हो यहाँ पे? देखो यार देखो, हो जाएगा, ऐसे नहीं है, बस वही है कि थोड़ी सी फटेगी यार, चढ़ भी जाएंगे उससे तो स्नो से ही, वो पीक मिल रहा है साइड वाला। देखो भाई बस आ गई अंकी, वी डिड इट ब्रो, वी डिड इट। वो तेरी तो वो तेरी तो भाई है? नहीं कोई ना। शिट यार टांगों की बस हो गई है। ओह शिट 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 शिट, इतनी ज्यादा स्नो अंदर घुस गई। God, shit. This is the real struggle behind trekking. ये होती है struggle भाई, जब आपको ऐसा कोई task मिल जाए, हैं? अब ऊपर, जय हनुमान जी, thank you so much. Oh God, shit.
We made it, bro. साले कहाँ से आए हम? वही तो बोल रहे थे अभी. Oh shit. चल भाई. Oh God. बहुत ही स्ट्रगल के बाद हम लोग एक पीक पे पहुँचे हैं. बट यहाँ से हनुमानगढ़ पता नहीं किस साइड है, बट व्यू देखो आप. वाह यार, मन करता है इन पहाड़ों पे चढ़े. अब यहाँ पे भी एक टिब्बा सा है, आई डोंट नो ये है कि नहीं है. इसके पीछे, पेड़ के पीछे इधर भी कुछ है. अब ये नहीं कंफर्म है भाई. झंडे लगे हैं, पत्थर तो है लेकिन झंडे नहीं है. चल देखते हैं एक बारी, वही चल ले. तो पहले इस साइड जाते हैं. बट यार इस साइड कंफर्म नहीं लग रहा है, शायद क्या पता. ओह हो, देखो यार, हमें नीचे से बोला था बहुत स्नो होगी, बट ऑनेस्टली इतनी स्नो भी नहीं है. यू कैन सी, देखो बस इससे ज़्यादा नहीं है. हाँ चल देखते हैं अब इधर ही एक बार चढ़ के देखते हैं ये भी भाई. ये है कि नहीं, जो हमने पानी पिया था ना मेल्ट करके, बहुत ही ज़्यादा गंदा था यार. बट स्टिल हमने पी लिया क्योंकि और तो कोई ऑप्शन था नहीं. यार वो तो नहीं है कहीं, इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है वहाँ पे. पहले तो यही चढ़ो, इसका कोई ट्रैक ही नहीं दिख रहा. ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा. बट नो वरीज, जब चढ़ना है तो चढ़ना है. मेरे सामने के पहाड़ देखो आप लोग. यार अंकित वो है उधर है भाई. जो हनुमान टिब्बा है वो ये नहीं है, सॉरी जो हनुमानगढ़ है वो ये नहीं है, वो दूसरी साइड है. जब आप यहाँ से ऊपर आएंगे तो आपको राइट साइड जाना पड़ेगा. वाह स्नो की हालत देखो. चल चल भाई जल्दी, जल्दी उड़ा दिए. क्या फ्लैग तो उधर है दूसरी साइड? क्या हाँ उस साइड से ही रास्ता, उस साइड से ही. ये तो कंफर्म है भाई. हम लोग हर बार उल्टा ही ट्रैक पकड़ लेते हैं यार, हर बार ऐसा होता है, हर बार. इंदर हार गए वहाँ पे भी यही सीन हुआ अपने साथ. संभालो भैया, खुद को संभालो, नहीं तो लोग तुम्हें घिरे हुए कहेंगे. हाँ आज जैसे आना आ जा, आगे तो स्नो ही है. कम्प्लीटली गीले हो चुके हैं ये, बट अब हमारा हनुमानगढ़ आ चुका है. ना अब तो कोई टेंशन ही नहीं है बॉस, अब तो अपने को कोई टेंशन है ही नहीं. पाँव देखो कितना स्नो के अंदर जा रहा है यार. ओह गॉड, मेरे आगे का व्यू देखो और मेरे शू की हालत देखो. वो रहा, दैट्स हनुमानगढ़.
वाह अरे वाह यार भाई, लेकिन व्यू बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है, व्यू बहुत सेक्सी है। शिट ओ माय गॉड, बोल सही है यार, वो दूर नहीं है क्या? पास ही है। शिट ओ गॉड, यार शू है ना हैवी हो चुके हैं, गीले हुए ना बहुत हैवी हो गए। फक फक शिट 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 वाह। हाँ जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। हाय जय हो प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़। वाओ यार, आई एम फीलिंग रियली 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 गुड यार। जय हनुमान जी की। जय हो हनुमान जी, थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचाने के लिए। वाओ जय हनुमान जी की, जय बजरंगबली की। वाह फाइनली यार। तो कल आपने हमारा पिछला जो ब्लॉग देखा था वो था खबरू वाटरफॉल से, और आज हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लोकेशन पे। एक्चुअली खबरू वाटरफॉल में हमने डिसाइड कर लिया था कि हम उसके बाद हम जाएंगे बीड में, तो हमने बीड में आए, फिर उसके बाद शाम को काफ़ी एक्सप्लोर किया, और हमने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग नेक्स्ट डे एक ट्रैक करने वाले हैं। और मतलब कि आज जहाँ पे मैं अभी हूँ फिलहाल, इस जगह का नाम है हनुमानगढ़। ये है बीड से कुछ आई थिंक बिलिंग जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट है हमारा, जहाँ से फ्लाइंग होती है, वहाँ से ये लगभग 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर्स की दूरी पे है। एक चाइना पास आता है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी या फिर स्कूटी वगैरह जो भी होगी या बाइक है तो वो पार्क कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रैक शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। हमें यहाँ पे पहुँचने में लगभग आई थिंक कितने टाइम लगा है, 3 घंटे 3 घंटे लगे हैं, बिकॉज़ हम लोग को रूट जो फिगर आउट करने में काफ़ी मुश्किल हुई है, और रास्ते में काफ़ी स्नो थी जिसके कारण, वो भी पूरा स्लोप में, तो उसके कारण काफ़ी हार्डशिप हुई है हमें आने में, तभी हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। और गाइस व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ से, और मेरे पीछे हैं हनुमान जी जिनके दर्शन मैं कर चुका हूँ और मैं आपको भी करवाता हूँ। ये है हमारे हनुमान जी, इसीलिए यहाँ का नाम है हनुमानगढ़। और ये सारी पहाड़ियाँ यहाँ से आप 360 व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा 360 व्यू दिखता है यहाँ से, और बहुत ही खूबसूरत सा और शांति भरा एनवायरनमेंट है यार यहाँ पे। मज़ा आ गया, लाइक कि मैं बोलता हूँ कि वर्थ है, अगर आप इतना चल के आते हो तो आपको बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे पहाड़ों के। यार इनसे खूबसूरत क्या है दुनिया में, और कुछ भी नहीं है, बस यही एक खूबसूरत चीज़ है यार जिसके लिए हम जीते हैं।